जय श्री राधे कृष्णा ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए किसान और चट्टान एक किसान था वह एक बड़े से खेत में खेती किया करता था उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था जिससे ठोकर खाकर वह कई बार गिर चुका था और न जाने कितनी ही बार उससे टकराकर खेती के औजार भी टूट चुके थे रोजाना की तरह आज भी वह सुबह सुबह खेती करने पहुंचा पर जो सालों से होता आ रहा था वही हुआ एक बार फिर किसान का हल पत्थर से टकरा कर टूट गया किसान बिल्कुल क्रोधित हो उठा और उसने मन ही मन सोचा कि आज जो भी हो जाए वह इस चट्टान को जमीन से निकालकर इस खेत के बाहर फेंक देगा वह तुरंत भागा और गांव से चार से पांच लोगों को बुला लाया और सभी को लेकर वह उस पत्थर के पास पहुंचा मित्रों किसान बोला ये देखो जमीन से निकले चट्टान के इस हिस्से ने मेरा बहुत नुकसान किया है और आज हम सभी को मिलकर इसे जड़ से निकालना है और खेत के बाहर फेंक देना है और ऐसा कहते ही वह फावड़े से पत्थर के किनारे वार करने लगा पर ये क्या अभी उसने एक दो बार ही मारा था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया साथ खड़े लोग भी अचरज में पड़ गए और उन्हीं में से एक ने हंसते हुए पूछा क्यों भाई तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है पर यह तो एक मामूली सा पत्थर निकला किसान भी आश्चर्य में पड़ गया सालों से जिसे वह एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था दरअसल वह बस एक छोटा सा पत्थर था उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले ही इसे निकालने का प्रयास किया होता तो ना उसे इतना नुकसान उठाना पड़ता और ना ही दोस्तों के सामने उसका मजाक बनता शिक्षा मित्रों इस किसान की तरह ही हम भी कई बार जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनसे निपटने की बजाय तकलीफ उठाते रहते हैं जरूरत इस बात की है कि हम बिना समय गंवाए उन मुसीबतों से लड़ें और जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ ही समय में चट्टान सी दिखने वाली समस्या एक छोटे से पत्थर के समान दिखने लगेगी जिसे हम आसानी से ठोकर मारकर आगे बढ़ सकते हैं जय श्री कृष्ण